के जबलपुर में मेखला रिसोर्ट में मिली युवती की लाश के मामले में बड़ा क्लू सामने आया है। अब होटल में युवती की हत्या का एक लाइव वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा रहा है कि युवक मेखला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में नजर आ रहा है। वो हत्या करने के बाद वीडियो बना रहा है और उसके बैकग्राउंड में एक पंजाबी गाना चल रहा है। वीडियो में युवक लड़की को बेवफा बताते हुए नजर आ रहा है। लड़की जबलपुर के पास के ही किसी गांव की रहने वाली थी। वह 2 दिन पहले शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर न्यू भेड़ाघाट रोड पर स्थित इस रिसोर्ट में अभिजीत पाटीदार के साथ आई थी। इसके बाद से पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुट गई थी। छतरपुर के बिजावा में आप पार्टी के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला की तस्वीर लगाकर स्लोगन लिखा गया है कि किसानों को लूटना बंद करो, आपने गुरुवार को बिजली विभाग के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया। उज्जैन में एक युवक को जंजीर से लटकाकर पीटने का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र के सिजावता गांव का है। वीडियो एक हफ्ते पुराना बताया जाता है। आरोपी अर्जुन मोंगिया ने एक युवक पर खेत में पड़ी तलवार चोरी करने का आरोप लगाया था, फिर युवक को बोरिंग लिफ्टर मशीन की जंजीर से बांधकर लटका दिया। इसके बाद अर्जुन मोंगिया और संजय जाट ने डंडे से पीटा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही मध्य प्रदेश में फार्मा सेक्टर में निवेश के लिए इंडस्ट्री तैयार हो गई है। मुंबई में एक दिन की चर्चा में ही फार्मा कंपनियों ने 3500 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा दिला दिया है। इसके साथ ही टाटा और रिलायंस जैसे समूह भी मध्य प्रदेश आने को राजी हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी कर दी है कि मध्य प्रदेश में 600-600 एकड़ के 4 फार्मा पार्क तैयार किए जाएंगे, जिसमें 30-30 कंपनियां अपना कारोबार कर सकेंगी।